माय लॉर्ड ये एक 17 रख ले रहाना इस्लाम ऑलरेडी कमिट किया हूँ। अलीफ भाई एक वोट हमें भी दे दें यार। आदिल खान अब्बासी ज्वाइन जेकेटी आदिल खान सत्रह नंबर इंशाल्लाह विक्ट्री। आप सुनाए कुछ कहना चाहेंगे आप आज के इलेक्शन के हवाले से? सात नंबर कुछ कहना चाहेंगे इलेक्शन लग रहा है कि मैस है और इस वक्त जो है जिस तरीके से बॉर्ड ऑफ मिसमैनेजमेंट ही नजर आ रही है आपसे नहीं होता नजर आ रहा है। बहुत
कौन सा अभी जी मुंसिफ, कुछ इलेक्शन के बारे में कहना चाहेंगे आज के? देखें जी, आज इलेक्शन जो हो रहा है इसमें फर्स्ट टाइम जो है बायोमेट्रिक सिस्टम पे इलेक्शन शुरू हुआ था, लेकिन सुबह से ही ये फेल हो चुका है। और इस वक्त भी देख लें 200-400 लोगों की लाइन नीचे लगी हुई है और ऊपर भी बुरा हाल है। और इसमें इस वक्त आप ये इमेज करें कि इसमें 600 वोट ऐसा भी है जो बायोमेट्रिक सिस्टम में नहीं है। तो जब अब से ही ये सिस्टम हो गया है, इनको चाहिए था कि एक तो बूथ बढ़ाते, एक तो उनके कंप्यूटर सिस्टम बढ़ाते, क्योंकि बड़ी बड़ी हम कैंडिडेट फीसें भी भरते हैं। लेकिन आई एम सॉरी, बहुत सा वोटर आज वापस चला गया। जी आरिफ भाई, कुछ कहना चाहेंगे आज के वाले? इसमें जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो आज मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आया। मैनेवल में जो है हमारी अच्छे खासे वोट कास्ट हो जाते हैं। अभी हर 5 से 10 मिनट बाद जो है वो मेन गेट बंद कर दिया जाता है। 15 से 20 वोटर जो अंदर ले रहे हैं उसको 15-20 मिनट के बाद जो है फिर जो है वो 15 से 20 वोटर लेते हैं। वो इस तरह तो वोट कास्ट नहीं होते। जो सीनियर वकील थे वो लाइन लग लग के चले गए। अभी भी जो इंडिपेंडेंट वोटर है ग्रुप के अलावा वो एंड तक लाइन लगा के खड़ा हुआ है। आप देखें एंड तक लाइन लगा के खड़ा हुआ है। आप देखें तीन बज गए अभी और 2 घंटे 5 बजे पोलिंग खत्म होगी। पता तो ये चला है कि टाइम एक्सटेंड कर देंगे, मगर ये कोई हल नहीं है। प्रॉपर तरीके से आपने जो नज़म से काम करते हैं, एक एक वोटर से 7 से 8 मिनट लगा रहे हैं आप, डिजिटल सिस्टम होने का फायदा क्या हुआ? ठीक है, थैंक यू। असल में बात ये है कि सर कुछ लेडीज रात यहाँ पे आई थी तो आधा घंटा उनको यहाँ पे वेट करना था। तो कोई मजदूर है उनको व्हील चेयर पर भी एक रुकला हजरात आए थे वो भी चले गए और लेडीज़ आई वो भी चली गई। ये जो सिस्टम है सर, इस सिस्टम से वो बेजार होकर चली गई। बोले आधा आधा पौना पौना घंटा हो गया हमसे किसी ने वोट नहीं दिया और दरवाज़ा ये सामने आपके सामने बंद है। अभी जाके लाइट कुछ कम हुई है, अदरवाइज यहाँ पे 1.5 घंटे से वोट रश थी, इस वजह से कुछ वोटर जो है वापस चले गए। अच्छा, यहाँ तो आप छोड़ें, अगर आप नीचे की पोजिशन देखें तो नीचे नीचे ज़रा एक नज़र आप दिखा दें तो जिस तरीके से लेडीज़ बुकला और जेंट्स करें, यहाँ ना तो कोई तकद्दस है ना कोई एहतराम बाकी होता है औरतों का। और धक्म फैली इस तरीके से होती है कि एक बंदा दूसरे के ऊपर और दूसरा तीसरे के ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सफोकेशन की वजह से लोग यहाँ पे 2-4 लोग बुकला तो बेहोश होकर गिर गए। कर सकते हैं तो सामने देखे तो लेडीज बुकला हजरात बैठी हुई हैं वो देखें गाइफ बटन की वजह से बेचारों के वहाँ बैठ गई है। और ऐसी बहुत सारी बुकला हजरात धुले आई हैं बटन के वापस लास्ट किए, टाइम नहीं मिला उनको, धक्के इतने उनको मिल रहे हैं कि क्या कोई हद नहीं है। आज फोन नहीं करो, आज इलेक्शन है। Yeah.
करेंगे।
मसूद भाई और के लिए हाई कोर्ट का जो इलेक्शन आज कंप्लीट हुआ, बहुत सी मुश्किलात आई, इसमें बहुत सी शिकायतें भी रहीं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट इस वक्त खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्पेशली मेरी टीम जो नजीर अल्लाह मसूद की शक्ल में ये मौजूद है, और जीतने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और जो रनर अप हैं इंशाल्लाह उम्मीद रखें नेक्स्ट ईयर अपनी जदोजहद जारी रखें, कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। थैंक यू। Oh,